इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, वीडियो कंप्लीट देखेगा तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स यानी कि जो ये वैकेंसी निकाली गई है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी इन भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो भारतीय तटरक्षक की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की नई वैकेंसी आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। और अगर आप 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपकी 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में, तो आप इस भर्ती में भाग ले पाएंगे। और इस भर्ती में सबसे बड़ी बात होगी, इसमें आपसे कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर दी जाती है। अगर आप इसको यहाँ से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको उस ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो आपको यहाँ पर पे स्केल रहेगा, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, वैसे तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग आपको वेतन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में बता पाऊंगा। 21,700 से लेकर 112,400 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपके 18 ईयर से लेकर 45 ईयर के बीच में जनरल वालों के लिए, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप SST कैंडिडेट है, 18 ईयर से लेकर 50 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। और अगर आप OBC कैंडिडेट है, 18 ईयर से लेकर 48 ईयर के बीच में अगर आप कह रहे, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल को आपकी जितने 18 से कम हो, नए 45 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर छूट दी गई है, SST वालों को 5 ईयर की दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी दी गई है। जो इस भर्ती का एप्लीकेशन फीस होगा, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी जनरल, OBC, SC, ST, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। जो हाइट रहेगी केवल और एक पोस्ट के लिए, यानी कि एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर हाइट मांगी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है एक पोस्ट के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताकर जाना। इस भर्ती में आपका रनिंग टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट इस भर्ती में नहीं होगा। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फोटो सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन सब डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है, तब इनको आप इनको कोई और ID भी दे दीजिए, वो भी यहाँ पर वैलिड की जाएगी। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, वैसे तो यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, लेकिन अगर आपने 10वीं 12वीं ITI डिग्री कुछ भी किया हुआ है, तब आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने सिंपल 10वीं पास भी किया हुआ है, तब भी आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती की जो इंपोर्टेंट डेट रहेगी, यहाँ पर 29 अप्रैल से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए, 29 जून 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है।
आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, फोटो को आपको यहाँ पर सेल्फ रजिस्टर्ड कर लेना है। फिर आपको यहाँ बायो डाटा की जानकारी देनी होगी, यानी कि अपनी सभी जानकारी देनी, जैसे कि नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, क्या क्वालिफिकेशन है, आपको कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, यानी परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं कल ऐसी वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पर 500 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो हिंदी, तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। अब बात करें आपको यहाँ पर सबसे पहले सिग्नेचर करने हैं, डेट बतानी है, यानी किस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। जो एड्रेस होगा, एड्रेस भी आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, यानी जहाँ पर इसको सेंड करना होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एड्रेस भी देख पाएंगे कौन से एड्रेस पर सेंड इसको करना होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही एड्रेस मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इसमें एड्रेस भी देगा, इस वाले एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। आपको टोटल यहाँ पर 5 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर के लिए, यानी कि लॉजिस्टिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। आपको यहाँ पर टोटल 5 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। लॉजिस्टिक ऑफिसर के लिए होगी, सिलेक्शन ऑफिसर के लिए होगी, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इस भर्ती को ऑफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑफिसियल नोटिफिकेशन, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस भर्ती को ऑफिसियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसमें सभी जानकारी बताएगा, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितनी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, कितना आपको यहाँ पर पे स्केल रहेगा, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। सभी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, लेकिन सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।